तो हाय फेलोस टेंगोइस, तो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि शायद आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, गेम में आने वाले अपडेट में मिनी मटेरियल्स आने वाले हैं एंड जिनको मिनी मटेरियल्स के बारे में पता है कि ये कैसे यूज होंगे उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक काफी कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिनके पास आज तक उन्होंने एक रुपए भी चाहे गेम में नहीं खर्चा है लेकिन अब आप लोगों को एक मैक्स गन मिलने वाली है जिसके अंदर किल इफेक्ट तक होगा, जैसे कि किल फील्ड में लिख के आएगा आप लोगों के पास अपग्रेडेबल गन है एंड ये काफी कमाल की चीज होने वाली है। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो करेक्टर्स के लिए, आपको करेक्टर खोलने हैं लेकिन करेक्टर वाउचर्स नहीं है, तो उससे भी काफी अमेजिंग अपडेट है इस वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो मिनी मटेरियल वाली चीज है ये किस तरीके से काम करने वाली है। जो हमारा रॉयल पास है ना ये वाला खत्म हो जाएगा 13 तारीख को, मतलब जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 13 को ये खत्म हो जाएगा। एंड मेन चीज ये है कि जो हमारा A1 का रॉयल पास आएगा उसके अंदर हमें मिलने वाला है मिनी मटेरियल। मिनी मटेरियल एक काफी कमाल का मटेरियल है, बेसिकली जिन्हें नहीं पता उनके लिए जल्दी से बता देता हूं, ये मटेरियल हेल्प करेगा हमारी किसी भी गन को अपग्रेड करने के लिए क्योंकि हम लोगों को जितनी भी गन्स है हमारे पास उनको अपग्रेड करने के लिए चाहिए रहता है मटेरियल एंड उनके लिए हम लोगों को पैसे खर्चने पड़ते हैं लेकिन मिनी मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं जस्ट कंबाइन करके एक बड़ा मटेरियल बनाने के लिए एंड उससे कोई भी गन को हम लोग अपना अपग्रेड कर सकते हैं चाहे वो M416 ही क्यों ना होगी। इसके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस गन है एंड इसको तक आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, मतलब दुनिया भर की कोई भी गन जो कि गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है उन्हें हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं A1 के रॉयल पास से क्योंकि इसके अंदर मिनी मटेरियल आने वाला है। अब मिनी मटेरियल काम कैसे करेगा, बेसिकली 10 मिनी मटेरियल को बना के हमारा एक मेन मटेरियल बनेगा, जैसे कि जो हम लोग ये होते हैं ना मेन मटेरियल, किसी भी गन को अगर हमने अपग्रेड करना है तो हमें मटेरियल चाहिए होते हैं नीचे की, जब देखो जैसे कि यहाँ पे मटेरियल मांग रहा है तो इन सब मटेरियल को कहते हैं मेन मटेरियल एंड वो वाले जो मटेरियल है हमें रॉयल पास से मिलेंगे उन्हें मिनी मटेरियल कहेंगे। तो एक मेन मटेरियल बनाने के लिए हमें 10 मिनी मटेरियल लगने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में काफी कमाल की चीज रहने वाली है, जिसने मतलब आज तक एक भी गन की स्किन तक परचेस नहीं किया या फिर उसको कभी कोई लकीली गन की स्किन मिल गई है लेकिन वो अपग्रेड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो रॉयल पास के अलावा कुछ भी खरीद पाए, तो उसके लिए एक कमाल की चीज है कि आप लोग अपनी गन्स को अपग्रेड कर सकते हो मिनी मटेरियल को यूज करते हुए जो कि आपको हर बार रॉयल पास के अंदर मिलेंगे A1, A2, A3, A4 हर बार। तो ये तो हो गया मेन कॉन्सेप्ट मिनी मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं सबसे कमाल की चीज की कि आप लोग इसको यूज करते हुए कैसे एक बिल्कुल फ्री में अपग्रेडेबल गन स्किन ले सकते हो जस्ट रॉयल पास से एंड इवन उसको अपग्रेड तक कर सकते हो। तो गाइस शायद आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, जो हमारा A1 का रॉयल पास है उससे ही हमें मिनी मटेरियल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसी के अंदर हम लोग को एक गन की स्किन मिलेगी, बेसिकली गन की स्किन नहीं कह सकते, मेली वेपन है वो एंड वो अपग्रेडेबल रहने वाला है। जी हाँ, अपग्रेडेबल स्टफ हम लोगों को फ्री में मिलने वाला है A1 के रॉयल पास से, काफी कमाल की चीज है। यहाँ पे जो मिशिंग आई थिंक इसका नाम है, वैसे बेसिकली ये मेली वेपन है तो इसको हम लोग चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए इवन हम लोगों को यहाँ पे मिनी मटेरियल तक मिलने वाला है इस रॉयल पास के अंदर, अराउंड 10 से 12 14 हम लोगों को मिनी मटेरियल मिलेंगे एंड अगर हम लोग चाहे तो हम लोग जस्ट रॉयल पास के जो 100 के 100 रैंक का इसको कंप्लीट करेंगे हम लोगों को 20 मिनी मटेरियल मिल जाएंगे एंड चाहे तो ये जो सॉर्ड है इसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, इवन किल इफेक्ट एंड इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये चीज नहीं करनी है A1 के रॉयल पास के अंदर, क्यों नहीं करनी है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो A2 का रॉयल पास आने वाला है यानी कि आज से सिर्फ एक महीने के बाद A2 का रॉयल पास जो BGY के अंदर भी आने वाला है उसके अंदर फिर से हम लोगों को 20 से लेके 15 मिनी मटेरियल मिलने वाले हैं। मतलब आप लोगों को बताया 10 मिनी मटेरियल का मतलब होता है एक मटेरियल मेन वाला जो कि हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे A2 के रॉयल पास के अंदर A1 के रॉयल पास के अंदर। तो अराउंड हम लोगों को यहाँ पे 3 मेन मटेरियल के आसपास मिल जाएंगे इन दोनों रॉयल पास को कंबाइन करके एंड सबसे अमेजिंग चीज आपको पता है, जो हमारा A2 का रॉयल पास आने वाला है उसके अंदर UMP की स्किन आने वाली है जो कि अपग्रेडेबल है विद किल इफेक्ट। ये वाली जो क्लिप्स है मैंने स्पार्टन शिप के चैनल से लिए क्योंकि मेरा पबजी का अकाउंट खोल नहीं पा रहा था, तो उनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं एंड उन्होंने यहाँ पे खुद ये चीज करके दिखाई है। इवन अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी अपनी पबजी वाली की आईडी खोल के उसमें चेक कर सकते हो, मेरा अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा, पता नहीं क्या रीजन है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताना क्या रीजन है कि अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा, लॉगिन स्क्रीन पे जाके स्टक हो रहा है वो बार बार। एनीवे मेन चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जब A2 का रॉयल पास जो कि पबजी के अंदर आ चुका है, BGMI 2 रॉयल पास पीछे चल रहा है जो कि आज से एक महीने के बाद BGMI के अंदर भी आ जाएगा 1-1.5 महीने तक के, उसके अंदर हमें अपग्रेडेबल UMP की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है एंड उस वाली UMP की स्किन को हम लोग इन मिनी मटेरियल्स को यूज करते हुए अपग्रेड कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है, ये बिल्कुल ही फ्री में है, जस्ट आप लोगों ने रॉयल पास अगर परचेस किया हुआ है तो उसके अंदर से जो आपको UC वापस आते रहते हैं उससे आपने अलग रॉयल पास परचेस करने हैं, जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, मतलब एक बार रॉयल पास परचेस कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए रॉयल पास फ्री हो जाता है क्योंकि हम लोग उसको बार बार परचेस करते रहते हैं, बार बार परचेस कर सकते हैं एंड UC हम लोग को वापस रिटर्न मिल जाते हैं रॉयल पास 150 करने पे ही। एंड A2 के रॉयल पास के अंदर हम लोग को अपग्रेडेबल UMP की स्किन मिलेगी बिल्कुल ही फ्री में रैंक 50 के ऊपर एंड इसको मिनी मटेरियल का यूज करते हुए अगर आप लोग A1 के रॉयल पास में अपने मिशिगन या फिर जो सॉर्ड है वेस्ट नहीं करते हो तो आप लोग अपने UMP की स्किन को अपग्रेड कर सकते हो आज से सिर्फ 1.5 महीने के बाद बिल्कुल फ्री में। एंड ये चीज आप लोगों के लिए जाननी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जैसे ही A1 का रॉयल पास आएगा देखेंगे कि हम लोग को मिनी मटेरियल मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे सॉर्ड की स्किन को अपग्रेड कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी लोग कर लेंगे इसी एक्साइटमेंट में कि कर लेना चाहिए एंड वो अपने मिनी मटेरियल वेस्ट कर देंगे A2 के रॉयल पास में जब हम लोग को UMP की स्किन आने वाली है उसके लिए
बचेगा ही नहीं एंड तब आप लोग अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे, जो कि एक बहुत बुरी चीज हो जाएगी। इसलिए ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए थी कि 1.5 महीने तक अपने आप को कंट्रोल में रखना है एंड उसके बाद आप लोग यूएमपी की अपनी फर्स्ट अपग्रेडेबल स्किन को यूज कर पाओगे गेम के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है एंड आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना एंड मिनी मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा, अभी भी कोई डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। आफ्टर एट गेम के अंदर अभी कल परसों के दिन एक अच्छा इवेंट आया था, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ एग्जाम्स की वजह से, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेम के अंदर 8 टोटल इवेंट्स आने वाले हैं वाउचर वाले, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने इन्हें कंप्लीट कर लिया था गेम जब मैं खेल रहा था एंड आप लोग देख सकते हो मैं फ्री में करेक्टर वाउचर्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो ये वाले मिले हैं सिर्फ यही मिलने वाले हैं, टोटल 8 बार मिलेंगे मतलब आने वाले टाइम एंड हर हफ्ते ये रिफ्रेश होता रहेगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है एंड आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ज्यादा सही रहने वाली है। जिनके पास करेक्टर वाउचर्स नहीं थे एंड वो लोग कोई अपना करेक्टर खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि गेम में नए करेक्टर्स आए थे एंड आप लोग भी उसके लिए एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड था, मैंने तो यूसी स्पेंड किए थे इवन उसके ऊपर। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला इवेंट एंड टोटल मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये 8 बार आएगा, मतलब हर 7 दिनों के बाद ये रिफ्रेश होता रहेगा, नए नए इवेंट्स आते रहेंगे। नीचे एक और भी इवेंट आया हुआ है, ये इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था तो मैं इसको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं देने वाला हूँ, जस्ट यहाँ पे देखो डेली लॉग इन करना है एंड इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। करेक्टर वाउचर्स भी इतने ज्यादा नहीं है तो इतना कोई एक्साइटमेंट है नहीं इसके लिए, बट एनीवे ये चीजें थी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड मिनी मटेरियल्स के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये चीज भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय बाय।